तो कैसे हैं आप लोग? नहीं, एक्चुअल में मेरे को जानना है कि आप लोग कैसे हैं। बहुत दिन हो गए वीडियो डाले हुए, और आज के दिन को भाई सभी लोग भड़ के सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना कुछ चीजें आपके साथ शेयर की जाए इंडिया के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे कुछ टेक्नोलॉजीज के बारे में जो कि पूरा का पूरा इंडिया में इन्वेंट हुआ है। कुछ बहुत ही बढ़िया इनोवेशन के ऊपर बात करेंगे, कुछ महानतम शख्स के ऊपर बात करेंगे जिनका ओरिजिन इंडिया है। और इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद आप वीडियो के एकदम आखिर में जाके समझोगे। अगर आप एक इंडियन हो तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, और इस वीडियो के आखिर में आपको प्राउड फील होगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं एज एन इंडियन। तो चलो भाई, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो में स्ट्रेट। आप ये वीडियो किस प्लेटफॉर्म पे देख रहे हो? YouTube। तो चलो सबसे पहले YouTube के बारे में ही बात की जाए। सभी को पता है कि सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा जो YouTube चैनल है टी सीरीज, वो इंडियन है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे बोलेंगे कि टी सीरीज भाई एक कंपनी है, वो एक यूट्यूब सिर्फ और सिर्फ चैनल नहीं है, और बाकी सारे जो इंडिविजुअल यूट्यूबर्स अपने चैनल को क्रिएट करते हैं वो सारे अकेले होते हैं। तो सबर करो। भाई मेरे नॉलेज के हिसाब से अगर कोई भी यूट्यूबर, कोई भी इंडिविजुअल यूट्यूबर अगर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर लेता है, उसके बाद वो अपना खुद का टीम बिल्डअप करना शुरू कर देता है। जैसे कि ज्यादातर यूट्यूबर्स मैनेजर्स हायर करते हैं, स्क्रिप्ट राइटर्स हायर करते हैं, एडिटर्स हायर करते हैं, और जब 1 मिलियन के बाद आपके ऊपर नोटों की बारिश होने लगती है, तब वो सिर्फ और सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं रहता, वो एक ब्रांड हो जाता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो टी सीरीज भी एक यूट्यूब चैनल ही है। तो चलो अगर अब हम टेक कैटेगरी पे आते हैं, तो दुनिया के सबसे बड़े टेक यूट्यूबर, नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं टिकटॉक्स के एक और फ्रेश एपिसोड में, और लेके आया आपके लिए बहुत कमाल की टेक न्यूज। चलिए शुरू करते हैं। हमारा अपना गुरुजी इंडियन है, एशिया का सबसे ज्यादा अमीर आदमी कौन है? मुकेश अंबानी सर, जो कि वर्ल्ड वाइड शायद से चौथे पोजिशन में आते हैं। वैसे अगर लॉकडाउन में किसी इंसान ने सबसे ज्यादा कमाया है तो अंबानी सर। पता है नंबर 0 जो है, जो कि न्यूमेरिक सिस्टम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नंबर है, वो इंडिया में बना था आर्यभट्ट के द्वारा। आर्यभट्ट। वैसे यहाँ पे एक चीज नोटिस करने लायक है कि बहुत सारे मैथमेटिक्स के लॉज, बहुत सारे मैथमेटिक्स के सीरीज इंडियंस ने बनाए हैं। जैसे कि जो फिबोनैसी सीरीज है 0, 1, 1, 2, 3, 5, ये जो सीरीज है ये इंडियन सीरीज है। पता है चांद में पानी है, ये जो स्टेटमेंट है ये इंडिया ने दिया था, और ये इंडिया का एक बहुत ही बेहतरीन इन्वेंशन माना जाता है। प्लास्टिक सर्जरी का नाम सुना है, जो कि टिकटॉकर्स को ये से ये बना देते हैं। बैन होने के बाद भी हम लोग टिकटॉक ही लेते रहते हैं। तो ये जो प्लास्टिक सर्जरी है वो इंडियन है, इसका जो आइडिया था वो भी इंडिया का था, और जो पहला प्लास्टिक सर्जरी हुआ था एक टिकटॉकर का नहीं हुआ था, वो भी एक इंडियन बंदा ही था। आयुर्वेदा, जिससे बहुत सारे लोगों को क्योर किया गया है, वो इंडियन है। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग फॉरेन से आते हैं यहाँ पे आयुर्वेदा ट्रीटमेंट के लिए। अब भाई बहुत सारे लोगों को लगेगा कि मैं टॉपिक से बाहर जा रहा हूँ, लेकिन भाई नहीं, सिर्फ और सिर्फ स्मार्टफोन अनबॉक्सिंग और गैजेट रिव्यू में टेक्नोलॉजी नहीं है, एक टेक चैनल का काम है सभी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजों को आपके साथ शेयर करना। कहीं स्पेस पे नया मीटियोराइट के बारे में जाना गया, वो भी टेक्नोलॉजी है। कहीं पे यहाँ पे वैक्सीन क्रिएट हुआ, वो भी टेक्नोलॉजी का पार्ट है। इसमें आपकी राय क्या है जरूर से कमेंट्स करके बताओ। क्या आपको पता है कि दुनिया का फास्टेस्ट सुपरसोनिक मिसाइल हमारे पास है? इंडिया और रशिया दोनों ने मिलकर इसको बनाया था, और इंडियन आर्मी के द्वारा, इंडियन नेवी के द्वारा ये ऑलरेडी बहुत बार टेस्ट किया जा चुका है। और बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे थे कि इंडिया के पास पावर नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल जो ट्रेन है वो इंडिया का है। क्या आपको पता है कि प्ले स्टोर में एक वक्त में सबसे ज्यादा पॉपुलर ऐप था लूडो किंग? लूडो का जो ओरिजिन कंट्री है वो है इंडिया। चेस जो गेम है उसका जो ओरिजिन कंट्री है वो है इंडिया। स्नेक एंड लैडर्स ये वाला जो गेम है ये भी इंडिया का है। चलो अब सुपर कंप्यूटर्स में आते हैं। दुनिया के मोस्ट पावरफुल 500 सुपर कंप्यूटर्स में से जो 67th रैंक में आता है प्रत्युष, और जो 120th रैंक में आता है मिहिर, वो इंडिया का है। सुपर कंप्यूटिंग में भी हम लोग आगे है बबुआ, इंडिया को कम मत समझो। फ्लश इंडियन चीज है, नहीं मजाक की बात नहीं है, एक्चुअली इंपॉर्टेंट चीज है भाई। और इस टेक वर्ल्ड में अगर सीईओज की बात की जाए तो आप लोग जानते हो कि सुंदर पिचाई इंडियन है, गूगल के सीईओ है। सत्या नडेला इंडियन है, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है। शांतनु नारायण इंडियन है, एडोब के सीईओ है। और भी कई सारे चीजें हैं भाई इंडिया में, इंडिया में बहुत सारे इन्वेंशन है, इंडिया में बहुत सारे इनोवेशन है। तो मैंने ये वीडियो बेसिकली इसलिए बनाया कि बहुत सारे लोग इंडिया को अंडर एस्टिमेट करते हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इंडिया टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत पीछे है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इंडिया बाकी सारे कंट्रीज से बहुत ही ज्यादा पीछे है। तो आप उन चीजों की तरफ देखते हो जो हमारे पास नहीं है, लेकिन मैंने आज इस वीडियो के जरिए आपको बताने की कोशिश की कि क्या हमारे पास है और क्या हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं।
और जितना भी हो सका मेरे से मैंने इस वक्त में आपके साथ शेयर किया और उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये मैसेज आप तक जरूर से पहुंचा होगा। अगर पसंद आया लाइक करने मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर पहली बार देख रहे हो तो, शेयर करना इसको सभी के साथ इस इंडिपेंडेंस डे में, और मैं आपसे मिलता हूँ अगले किसी फ्रेश माल वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। इन्हें ये वाला आउटरो आज नहीं चलेगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम।